पुलिस ने 25,000 के इनामिया को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा व कई जरूरी कागजात हुए बरामद। शिकायतकर्ता रंजीत पुत्र मुन्नालाल ने मुकदमा पंजीकृत कराया था, जिसमें थाना करहल पुलिस को सफलता हाथ लगी है। इस आरोपी को कई प्रकार के मुकदमे पंजीकृत हैं। ये 25,000 का आरोपी कई समय से फरार चल रहा था, जिसको थाना करहल पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वहीं पर पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक मधुवन कुमार ने क्या कुछ बताया, जरा सुनिए। मामला पूरा करहल थाना क्षेत्र का है। ग्राम नगला अलाई में पिछले वर्ष एक डकैती की घटना घटित हुई थी, उसके संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। उसका एक वांछित अभियुक्त है, जिसका नाम विदू उर्फ उल्फाम पुत्र रहीम बख्श बंजारा, ये बड़ाहार थाना झोर जनपद मैनपुरी का रहने वाला है। इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। इसका लंबा आपराधिक इतिहास है, ये तभी से अपने आप को छिपाए हुए था। इसको गिरफ्तार करके रिमांड लेकर, सर इस पर क्या कोई इनाम इनाम घोषित था? इस पर 25,000 रुपये का इनाम पुलिस अधीक्षक मैनपुरी द्वारा रखा गया।